कैसे आप जान सकते हैं, कैसे पता लग सकता है कि ये बरकत खुदावन की तरफ से है कि अब्लीस की तरफ से आपके जिंदगी में आई है? अगर आपको कोई ऐसी जॉब मिली है और आप उस जॉब में इतना मसरूफ हो गए हैं कि आप अब खुदावन को वक्त नहीं दे पाते, दुआ नहीं कर पाते, कलाम नहीं पढ़ पाते, तो ये जॉब खुदावन की तरफ से नहीं है। क्योंकि जो बरकत खुदावन की तरफ से होती है वो बरकत भी आपके पास रहती है और आप भी खुदावन के करीब रहते हैं। इसी तरह अगर कोई दोस्त आपकी ज़िंदगी में आया है और वो दोस्त के साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन आप खुदावन के साथ बातें नहीं करते, आप टाइम स्पेंड नहीं करते, उसके लिए आपके पास वक्त नहीं है और दोस्त के लिए आपके पास वक्त है, तो ये दोस्त खुदावन की तरफ से आपकी ज़िंदगी में नहीं आया। इसी तरह कोई लाइफ पार्टनर अगर आपकी ज़िंदगी में है, कोई ऐसा रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में है जो आपको खुदावन के करीब करने की बजाय खुदावन से दूर कर रहा है, तो ये खुदावन की तरफ से नहीं है। ऐसे रिलेशनशिप से, ऐसे दोस्तों से दूर रहें जो आपको खुदावन से दूर कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा अब्लीस मनसूबा बनाता है कि वो आपको खुदावन से दूर करे और आपको तबाह बर्बाद करे। आप दूसरों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकर वो भी इस बात को जान सकें और खुदावन के करीब आ सकें और फिर से अपना रिलेशन खुदावन के साथ कायम कर सकें। गॉड ब्लेस यू।